जिन्होंने गन्ना भर रहे हैं, और बेल काफ़ी निकल रही है हमारे खेत में। बेल काफ़ी बार, दो बार स्प्रे भी करा था हमने इस खेत में, फिर भी बेल हो गई। बहुत समस्या आ रही छोलने वाले को भी। और ये 30 रुपये कुंटल के हिसाब से छोल रहे हैं जो ठेकेदार हैं हमारे, 30 रुपये कुंटल के हिसाब से। और कहीं कहीं महंगा चल रहा है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पर 30 रुपये कुंटल चल रहा है। गन्ना भी सही निकल गया है। काफ़ी हाइट है गन्ने की। हमारे 70 पुलियों में हो जाता है 17 कुंटल। काफ़ी भारी पुली ना मानते, उठानी भी पड़ा ही ना, गाड़ी का हिसाब है ऐसी। हम 500 ट्रैक्टर है और उनके पूरी लेबर रह जी यहाँ पर, 10 बच्चे आवे इनके, 10 बच्चे हैं इनके, 2 खुद हैं ये। और किसान के आगे समस्या ये है कि वो गन्ने वाले जो किसान हैं, गन्ना तो वो दिया, अब सरकार ने सैटेलाइट चला रखी है कि ये जो इतनी पत्ती है इसे कहाँ जलाएं, अब जलाएं तो आफत, नहीं जलाएं तो आफत। तो अब क्या कहें, ऊपर जलाते हैं तो ऊपर सैटेलाइट ऑन हो जाएगी, सैटेलाइट पे कुछ चल रहा है उनका प्रोग्रेस, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक जगह बात करी है हमने कोल्लू में, उनसे बेच ही देंगे फिर। अब बेचने में भी 1-2 खेत की बात कर रहे हैं, अब इतनी सारी पत्ती कहाँ जाएगी। ठेकेदार से बात करते हैं, आज इसमें गन्ना छोलने में कितना फ़ायदा है जी? ये 31 रुपये कुंटल है। 31 और गन्ना कैसा निकल गया है? गन्ना बहुत बढ़िया निकल गया है, इधर को निकल गया 50 कुंटल हैं। 50 कुंटल एक बीघे में? हाँ। तो हल्का रह गया। हल्का रह गया हाँ। 100 कुंटल कर दो पूरा। 100 कुंटल कैसे पूरा कर दें ऐसे? कितनी पर्ची निकल रही है एक बीघे में? कितनी पर्ची निकल रही है आपकी? चार पर्ची निकल रही है एक बीघे में। है? चार पर्ची, तो एक पर्ची कितने कुंटल की है? 68 कुंटल का, यानी एक बीघे में 68 का एवरेज दे रहा है गन्ना। किसान के लिए समस्या तो अभी है कि पत्ती का क्या करें, पर जला देंगे तो प्रदूषण होगा। मरवाया निकला? अच्छा जी, 2 हमारे ये 3-3.5 बीघा का खेत है, इसमें नवी पर्ची जा रही है। और ये एक और ठेकेदार आ गए इधर से, ये इनके रिश्तेदार हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।